अक्षय तृतीया का पर्व आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। बाजारों में शादियों के लिए कपड़े, गहने और अनेक प्रकार की खरीदारी की गई। आचार्य महामंडलेश्वर महंत पुरुषोत्तम भारती ने बताया कि अक्षय तृतीया पर दान पुण्य करने की परंपरा है, इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इधर लोगों ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर कपड़े सहित अनेक वस्तुओं की खरीदारी की जा रही है। अक्षय तृतीया का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि इस तिथि के नाम से द्योतक है कि अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। कभी भी और तिथियों का आगे पीछे हो जाता है, तिथियां टूट जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया जो है असाध्य हमारी जो है, और इसमें जो जो भी हम दान पुण्य वगैरह करते हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके पूरे देश में इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। विशेष रूप से दाल, चने की दाल और जो है ककड़ी का हम विशेष रूप से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और विशेष रूप से श्रृंगार करते हैं, तथा जो गर्मी के जो पोशाकें वगैरह है, गर्मी के जो श्रृंगार है वो हम ठाकुर जी का करते हैं। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अक्षय तृतीया को जो भी दान पुण्य वगैरह किया जाता है, जो सरोवर है गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, शिप्रा, सरयू में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। आज का शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए हम हमारी बहू के लिए भी खरीदारी करने आए हैं। और फिर यही चीज़ है कि मेन चीज़ बेस पे जाता है, अब वो कैसा बेस उसको पसंद आता है। शादियों के माहौल में सबसे ज़्यादा बेस ही पसंद आते हैं और मेन खरीदारी इसी की होती है। आज आखा तीज है ना, आखा तीज के ऊपर कोई भी अपन शुभ काम करते हैं ना, उससे पहले अपन कोई भी चीज़ लेनी होती है, तो मैं सोची दुल्हन का बेस ही क्यों ना शुभ रहे अपन आखा तीज पे लेने के लिए। तो आखा तीज के अपन सबसे पहले शुभारंभ इसी से करें ना, अपन दुल्हन का बेस लेकर के शुभारंभ करें अपन। आखा तीज ये ना बद्रीनाथ का मंदिर खुलता है, आज के दिन सब लोग दर्शन करने आते हैं, तो ये अक्षय तृतीया इसके दिन शुभ रहता है कि अपन सबसे पहले कोई ना कोई अच्छी चीज़ शुभ चीज़ खरीदें। आज आखा तीज है, आपको मालूम होगा, लेकिन आखा तीज के जो सावे हैं सबसे ज़्यादा सावे माने जाते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर से राजस्थान में। बरी के बेस होते हैं जो दुल्हन के बेस जिसको बोलते हैं, वो इसी सावे के अंदर ज़्यादा बिकते हैं सावे तृतीया। और जो भी ग्रामीण परिवेश में जो है वो ज़्यादा इसकी गिराई होती है उसके पास।